हेलो मॉमीज़ एंड बेबीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना डायरीज। सो मॉमीज़, कैसी हैं आप? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में बच्चों का ख्याल और भी ज़्यादा रखना होता है और वो इतना आसान भी नहीं होता है। तो मेरा जो आज का ये वीडियो है वो है कुछ होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू उपचार, जिसे अगर आप सर्दियां शुरू होने से पहले या अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम खांसी लग चुकी है उस दौरान भी अगर ये होम रेमेडीज़ आप बच्चे को देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और उसकी पूरी सर्दियाँ आसानी से निकल जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो मॉमीज़, जो पहला घरेलू उपचार है या जो पहली होम रेमेडी है वो है जायफल, यानी जिसे हम नटमेग भी कहते हैं। जायफल का पेस्ट या जायफल का पाउडर हम बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे अबव 6 मंथ्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही हमें इसे देना है, क्योंकि वो कुछ सॉलिड्स पे आ चुके होते हैं तो हम उसे दे सकते हैं। लेकिन बच्चे जो 6 महीने से छोटे हैं उन्हें हमें ये बिल्कुल भी नहीं देना है। अब हम इसे कैसे, किस फॉर्म में दे सकते हैं? तो जायफल लेकर आप उसको सील बट्टे पे पानी की हेल्प से घिसिए। घिसते घिसते आपको उसका एक पेस्ट फॉर्म हो जाएगा। उस पेस्ट को आप 1 चम्मच पानी में बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे लेकर उस पानी में घोल लीजिए, उस 1 चम्मच पानी में, और उस पानी को आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसका हाफ या पूरा फुल स्पून आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा जो 6 महीने से ऊपर है उसको भी दे सकते हैं, और जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें आप ये दिन में 2 बार ये स्पून दे सकते हैं जायफल का। जायफल क्या करता है? जायफल बेसिकली बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, उसको गर्म रखता है, जिसकी वजह से सर्दियां बच्चों को कम लगती हैं और सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा जायफल बच्चों का पेट भी ठीक रखता है। गैस फॉर्म या जो कॉलिक कंडीशन बच्चों में बन जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं जायफल बहुत ही हेल्प करता है। बच्चों में एक अच्छी नींद आए, बच्चों को अच्छी नींद मिलती है अगर आप उसे जायफल देते हैं। और ये जायफल आप बच्चों को सर्दियों में डेली बेसिस पे दे सकते हैं। गर्मियों में आप इसे वीक में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, बट सर्दियों में आप इसे डेली बेसिस पे दे सकते हैं। और ये होम रेमेडी एक प्रिकॉशनरी होम रेमेडी है, क्योंकि अगर आप इसे बच्चों को देते हैं तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस या फिर कोल्ड एंड कफ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो मॉमीज़, जायफल एक बहुत ही वंडर स्पाइस है, जिसे जो बेसिकली स्पाइस है, और इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ध्यान रखनी है। ज़्यादा देने पे बच्चों को ये प्रॉब्लम भी कर सकती है, डिस्कम्फर्ट भी कर सकती है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, लाइक 0.5 mg ही, या सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप, अगर आपके पास कोई ड्रॉपर है जिसे हमें किसी मेडिसिन के साथ या कफ सिरप के साथ वगैरह मिल जाता है, तो उसे आप लेके 1 या 2 ड्रॉप 6 महीने से अबव बच्चों को दे सकते हैं, या आधा चम्मच पानी में उसे घोल के भी आप दे सकते हैं। सो मॉमीज़, ये पहली होम रेमेडी थी जायफल या जायफल का पाउडर। अच्छा, जायफल का पाउडर आप बच्चों को किस वे में दे सकते हैं? जो बच्चे सॉलिड्स लेते हैं, 1 साल से ऊपर हैं, आप उनके खाने में इसको चुटकी भर दिन में 1 बार उनके डेली बेसिस पे सर्दियों में उनके खाने में जो भी आप उन्हें खाना दे रहे हैं उसमें आप मिला के उसे दे सकते हैं, और ये बच्चे की बॉडी में ऐसे ही चला जाता है और बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, उसे हीट, एक बॉडी गर्म अंदर से रहती है, तो सर्दी ज़ुकाम वगैरह लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो मॉमीज़, ये था मेरा पहला होम रेमेडी, जो कि एक प्रिकॉशनरी होम रेमेडी है और इसे हमें सर्दियों में तो ज़रूर करना चाहिए अबव 6 मंथ्स बेबीज़ के साथ। तो आइए अपनी दूसरी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। सो मॉमीज़, जो दूसरी घरेलू उपचार है या जो होम रेमेडी है वो है सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल भी और सरसों का तेल भी जो है वो एक बहुत ही पुराना नुस्खा है, जो सर्दियों में बेसिकली अगर बच्चे को थोड़ी बहुत सर्दी खांसी वगैरह लग चुकी है उस कंडीशन में हम सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को पका के उस तेल को छान के अच्छे से उसे बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे
और बच्चे की पाम पे और पैरों में नीचे तलवों पे लगाते हैं और इसे लगाने के बाद हम बच्चे को अच्छे से ढक के सुला देते हैं। बेसिकली इसका काम भी बिल्कुल जायफल की तरह है, ये अंदर बच्चे को बहुत हीट प्रोवाइड करता है, एक गर्मी प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होता है। जो अंदर उसका म्यूकस वगैरह जम चुका है ज़ुकाम खांसी की वजह से, वो इससे पिघलता है और बच्चे को पॉटी के रास्ते या फिर अगर वॉमिट हो गई है या कफ के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर, सरसों के तेल का जो ये मिक्सचर है जो कि हमने बनाया है लहसुन और अजवाइन से, इस ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होम रेमेडी है, जिसे आप डेली बेसिस पे भी बच्चों को इससे मसाज भी कर सकते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप बच्चे को इस तेल से, इस मिक्सचर वाले तेल से मसाज करें या फिर अगर उन्हें थोड़ी बहुत सर्दी ज़ुकाम हो गई और उस कंडीशन में आप उन्हें उनके चेस्ट पे, बैक पे, उनके तलवों पे और उनके हथेलियों पे लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को बिल्कुल भी ठंडी जगह पे नहीं बैठाना है, सुलाना है या हवा नहीं लगनी चाहिए, उसे कवर्ड रखना है बच्चों को। और ताकि ये जो इसका वर्क है बॉडी को गर्म करने का, वो ये अपना काम कर सके ये ऑयल मिक्सचर। क्योंकि अगर आप इसको ठंड, बच्चे को हवा लगती है या ठंड लगती है या उसको आप कवर नहीं करते हो तो इसका उल्टा असर पड़ जाता है और ये बच्चे के बॉडी में ठंडक पहुँचाने लगता है। तो इसे लगाने के बाद आपको बच्चे को कवर करके रखना है और हो सके तो आप इससे रात को सोते वक्त बच्चे को लगाइए और तब उसको अच्छे से कवर करके सुला दीजिए। ये प्रिकॉशनरी मेडिसिन तो हम, या होम रेमेडी तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसे आप जब आपको लगे कि थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह स्टार्ट हो गई है बच्चे को, उसका हल्का सा नोज़ी वगैरह आना शुरू हो गया है या थोड़ा बहुत भी आपको हिंट लग जाता है कि बच्चे को हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है, तभी आप इसे स्टार्ट कर दीजिए और देखिए इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। सो मॉमीज, जो थर्ड होम रेमेडी है वो है जिंजर और हनी का पेस्ट या उसका एक सिरप फॉर्म। ये हमें तभी देना है बच्चे को अगर बच्चे को बहुत खांसी हो रही है या खांसी स्टार्ट हो चुकी है। ये खांसी के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाला घरेलू उपचार है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अदरक लेना है, 1 इंच अदरक या थोड़ा सा अदरक, उसे घिस लेना है या उसे इस तरीके से काटना है कि आप उसका जूस निकाल सको। और इस जूस को आप 1 चम्मच में रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए, उससे उसका टेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बच्चे को इस पूरे जिंजर हनी का जो ये लिक्विड फॉर्म है इसे आप पिला दीजिए। आप बच्चे को इसे, जो बच्चा अबव 1 ईयर ओल्ड है उसे आप दिन में 2 बार दे सकते हो। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है गले में और उसके कफ में उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। जो दूसरा तरीका है आपको इस चीज़ को देने का, वो है जिंजर जो होता है या अदरक जो होता है उसका पाउडर फॉर्म, लौंग उसका भी पाउडर फॉर्म, और इन दोनों पाउडर फॉर्म को आपको हनी में यानी कि शहद में मिलाना है और बच्चे को 1 स्पून में करके दे देना है। जिंजर का पाउडर फॉर्म, इसे हम सौंठ भी कहते हैं, उसे आप या फिर आप उसे सुखा के घर में बना सकते हो, और लौंग उसे भी हल्का सा रोस्ट करके तवे पे और फिर उसका पाउडर बना लीजिए, और उसे भी सिर्फ 1 चुटकी लौंग का पाउडर और 1 चुटकी जिंजर का पाउडर 1 चम्मच हनी में आप उसे अच्छे से मिला लीजिए और बच्चे को एक सिरप की तरह दे दीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चे के कफ में, उसके गले को आराम पहुँचाता है और अंदर तक जाके इस इन्फेक्शन को दूर करता है। सो मॉमीज़, अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, मेरे ये तीनों होम रेमेडीज़ अगर आपको यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।